सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बीएससी टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम आपका करा रहे थे क्लास 10th की इंग्लिश को, और जिसमें मैंने आपका चैप्टर नाउन स्टार्ट किया था और नाउन आपका पूरा खत्म हो गया था। आज आपके लिए प्रैक्टिस पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं, नाउन की प्रैक्टिस कराएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर आपने कोई भी नाउन का पार्ट मिस कर दिया है तो आप उन्हें जा करके देख लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब में जाकर के सर्च करना है बेसिक टू टॉप स्टडी, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है, और वहां पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और ये वीडियो आपका पहला होने वाला है, वीडियो पार्ट नंबर 1 प्रैक्टिस का है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको आसानी से समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन एग्जाम्स में जाकर के हैंडल करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछा गया है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफाई का मतलब है आप यहाँ पे पहचानिए नाउन्स, नाउन्स ठीक है। द इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो फॉलोइंग सेंटेंस आपको दिए हुए हैं उनमें आपको नाउन्स को पहचानना है, ठीक है। एंड राइट देम, और उन्हें लिखिए, राइट देम अलोंग विद के साथ साथ, क्या देयर काइंड्स उनके प्रकार के साथ साथ उनका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी करिए, आपको एक्सप्लेनेशन करना है सेंटेंस का, ठीक है। तो इसमें नाउन कहाँ है आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, जो बुक है वो किस पर रखी हुई है या पड़ी हुई है कह सकते, रखी हुई है वो टेबल पर आपकी रखी हुई है। तो यहाँ पे नाउन कौन कौन से है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे एक तो बुक नाउन है आपका, और दूसरा कौन सा है, टेबल। अब ये पूछ रहा है किस प्रकार के नाउन है, तो किस प्रकार के नाउन है तो ये आपको बताना है। तो देखिए बुक, बुक क्या है, बुक एक कॉमन है, क्या है, बुक एक कॉमन है, बुक का कहीं नाम नहीं लिखा है तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। और यहाँ पे भी ये जो टेबल है वो भी आपकी क्या है, कॉमन है, किसी स्पेसिफिक टेबल का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जो वर्ड होंगे वो आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे, ठीक है, कॉमन नाउन। इस तरीके से आप इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कौन से नाउन है, तो आप इनकी पूरी मीनिंग लिख लेना कॉमन नाउन की, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो काफी जगह ये ले लेगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है, हम किसके बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो वाटर क्या है, तो वाटर यहाँ पे चला जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये आपका वाटर मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन हो जाएगा वाटर, क्योंकि ये आपका द्रव्य है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3, द ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, जो वकीलों की वकील होते हैं उनके समूह को कहते हैं। ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, ये क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने अपना निर्णय दिया हुआ है, इसकी मीनिंग निकालेंगे तो क्या आएगा, निर्णय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ज्यूरी क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इनका ये समूह है। और यहाँ पे जो ये होगा निर्णय आपका, ये कैसा रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि निर्णय को हम देख नहीं सकते, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ये आपका, ठीक है। इस तरीके से आप इनको इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है द हिंदूस रिगार्ड कृष्णा एज एन इनकारनेशन, यानी इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो कृष्ण जी थे वो किसके अवतार थे, तो वो विष्णु के अवतार थे, ये कह रहा है। अब इसमें नाम ढूंढिए, ये हिंदूस नाम हो गया आपका, और कृष्णा नाम हो गया, और यहाँ पे आपका विष्णु हो गया नाम, ठीक है। तो ये नाम है, ये कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हिंदूस क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, हिंदूस ये आपका एक धर्म है हिंदू अपना, ठीक है। इसमें और कृष्णा ये किसी का नाम है, ये यानी भगवान का नाम है कृष्णा, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, और इसे भी आप कहेंगे प्रॉपर नाउन, और विष्णु भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से इसमें सभी आपके प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वर्डिक्ट को समझ लिया था कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्योंकि ये आपका
वो क्या है, ये आपका निर्णय निर्णय दे रहा है, निर्णय दिया है उन्होंने अपनी ज्यूरी ने, जो है ज्यूरी उसने आप अपना निर्णय दिया है, तो ये निर्णय जो होगा उसे आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उसका, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या है, एल्कोहल हानिकारक है, ठीक है। तो एल्कोहल क्या है, ये एक तरल पदार्थ है, तो एल्कोहल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है, इसे मटेरियल नाउन कहेंगे। और यहाँ पे जो हेल्थ होगा ये आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग कैसी है, एक बुरी आदत है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये हैबिट, हैबिट नाउन हो जाएगा। नाउन कौन सा होगा हैबिट, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि हैबिट एक आदत है, आदत को हम बताते हैं कि इसकी आदत बुरी है, इसकी ऐसी है, उसे हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जंगली जो जानवर होते हैं, लिव्स इन अ फॉरेस्ट, किसमें रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो एनिमल्स क्या है, ये आपका एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे ये एनिमल्स की क्या कैटेगरी उतारा है, कॉमन नाउन, ठीक है। इसी प्रकार से ये फॉरेस्ट भी क्या होगा आपका, कॉमन नाउन, फॉरेस्ट भी क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। आगे देखिए, ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, गर्ल्स भी ये कॉमन नाउन में आ जाता है, तो गर्ल्स भी कॉमन नाउन में चला गया। बर्ड सिंगिंग क्या कर रही थी, गा रही थी। नेक्स्ट देखिए, नाइन, गोल्ड, गोल्ड क्या होता है, ये आपका मटेरियल नाउन होता है, क्योंकि ये क्या है, एक द्रव्य, ये एक पदार्थ है, इसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे, तो इसमें मटेरियल नाउन डाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद इज अ प्रीशियस मेटल, कैसी है, बहुमूल्य क्या है, ये धातु है, और धातु क्या होगी, तो धातु आपका क्या है, कॉमन है धातु सभी में, तो धातु अलग अलग होती है, लोहा है, जिंक है, सल्फर है, ऐसे करके धातुएं होती हैं, तो क्या हो गया, ये आपका कॉमन नाउन में चला जाएगा, कॉमन नाउन का। लास्ट देखिए, राइस, राइस क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि जो राइस होता है मटेरियल नाउन, ठीक है, राइस होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है इसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये मटेरियल नाउन में चला जाएगा। द स्टेपल्स फूड ऑफ साउथ इंडियंस, साउथ इंडियंस क्या हो जाएगा, तो ये आपकी व्यक्ति बता दिए, जो साउथ इंडियंस होते हैं, दक्षिण के जो लोग होते हैं भारत के, वो क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने साउथ इंडियंस, इंग्लिश मैं, इंडियंस मैं, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके प्रॉपर हो जाएंगे, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें जान सकते हैं कि कौन सा नाउन, कौन सा नाउन का नाम क्या है, और वहां यहाँ इसमें कौन सा नाउन दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें जान सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको हमने पहली एक्सरसाइज वीडियो पार्ट नंबर 1 लेकर आए थे, और अगली वीडियो में फिर आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, तब आपको और बताएंगे कि इनके भी वेरिएशन कैसे होते हैं, उन्हें कैसे आप छांट सकते हैं। तो इस वीडियो में रहने इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, थैंक यू।